हाई गाइज, सो अभी आई एम द फोटोग्राफर एंड सौरभ अनुराज मेरे मॉडल हैं। कैसा लग रहा है आपको? लाओ लाओ लाओ, वापस लाओ फोटो खींचो, जल्दी खींचो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप करोगे नौटंकी। तो वैसे आज नौटंकी करने के लिए भाई हमारे साथ विदुषी है। जैसा हम लोगों को पता है कि माइक्रोमैक्स ने मेड इन इंडिया माइक्रोमैक्स ने अपना नोट 2 लॉन्च किया है, जो कि हमको स्पेक्स वाइज बहुत स्ट्रांग लगा है। सबसे पहला चीज़ जो हम नोटिस किए हैं भाई कि इसका डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है, एमोलेड डिस्प्ले है। तो आज इसका हम लोग टेस्ट करेंगे, एक ऐसा फ़ोन जिसमें हम लोग को बॉक्स में टेम्पर्ड ग्लास, 30 वाट का चार्जर, सारा कुछ मिल जाता है, जो कि 13,000 के रेंज में आता है। तो आज इस चार्जर दे रहे हैं, तुम्हारे फोन जैसा नहीं है कि चार्जर नहीं देते हैं, लाख रुपए का चीज़ में भी चार्जर नहीं देता है। तो इसको आज टेस्ट करेंगे और इसमें कार्ड भी लगा सकते हैं, दो सिम लगा सकते हैं। तो सब फीचर पैक्ड फ़ोन है। इस फ़ोन के बगल में रखते हैं, देखो ना कैसा लग रहा है, सेम टू सेम S21 अल्ट्रा का जैसा डिज़ाइन है। लग रहा ना सेम टू सेम? लग रहा है कॉपी कर लिया, इसको पैसा दिया है माइक्रोमैक्स वाला। तो सबसे पहले हम लोग वाइड एंगल से स्टार्ट करेंगे। वाइड एंगल फ़ोटोज़ में देखते हैं कि मतलब प्राइमरी कैमरा में ये फ़ोन कितना गर्दा उड़ा पाता है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर प्राइमरी कैमरा की बात करेंगे तो ये 48 मेगापिक्सल का F1.8 अपर्चर के साथ आता है और 1/2 इंच का सेंसर है। तो सेंसर काफ़ी छोटा है और बहुत ज़्यादा भी सेंसर के बारे में डिटेल हम लोग को नहीं पता है, लेकिन ओवरऑल जो फ़ोटोज़ देखे हैं वो ठीक ठाक ही था। और जैसा कि 13,000 के फ़ोन में हम एक्सपेक्ट कर सकते हो, थोड़ा सा शेडोज़ वाले पार्ट में हमको कहीं कहीं पर डायनेमिक रेंज की वजह से मे भी लगा कि थोड़ा सा वहाँ पर डिटेलिंग का कमी था, थोड़ा शार्प वहाँ पर ज़्यादा बेटर हो सकता था फ़ोटोज़ वगैरह। ऐसे ओवरऑल अगर देखेंगे ना तो लगभग ठीक ठाक ही फ़ोटोज़ मिल जाता है, कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह ठीक ठाक है, डायनेमिक रेंज भी ओके है, और बस थोड़ा सा वही शेडो वाला पार्ट अगर थोड़ा ज़्यादा अच्छे से सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज़ किया जाए तो और बेटर हो सकता है। तो यहाँ पे यही बोलेंगे कि थोड़ा ग्रीन टोन हटा दिया जाए तो ओवरऑल हम लोग को ठीक ठाक फ़ोटोज़ मिल जाएगा आपको। इसमें अल्ट्रा वाइड के लिए यहाँ पे अब टैप करोगे अल्ट्रा वाइड पे स्विच हो जाएगा, तो इजी ही है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो अल्ट्रा वाइड शॉट्स देखते हैं कि अल्ट्रा वाइड में कैसा फ़ोटोज़ आता है। अल्ट्रा वाइड का बात करेंगे तो इसमें हम लोग को 5 मेगापिक्सल का F2.2 अपर्चर वाला 115 डिग्री के अराउंड का अल्ट्रा वाइड लेंस मिल जाता है। 1/5 इंच का सेंसर है, तो काफ़ी छोटा सेंसर है और बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेक्टेशन इससे नहीं रखना है। लेकिन हाँ, 13,000 का फ़ोन है तो वो भी आपको ध्यान में रखना है कि इस रेंज के हिसाब से लगभग ठीक ठाक फोटोज़ आपको मिल जाएगा आउटपुट। शेडोज़ का ज़्यादा डिटेल नहीं है, डायनेमिक रेंज बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ एक 5 मेगापिक्सल कैमरा से आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हो वही मिलेगा। कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह लगभग ठीक ठाक ही है, उसमें आपको कहीं पे भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखेगा। तो ओवरऑल एक ठीक ठाक कैमरा है यहाँ पे। इसमें काम चलाओ मैक्रो भी दिया हुआ है 2 मेगापिक्सल वाला, तो इस फ़ोन में दिया है तो चलो टेस्ट कर ही लेते हैं कि मैक्रो का फ़ोटो जो है वो कैसा आता है। अगर पोर्ट्रेट शॉट का बात करेंगे तो इसमें एक डेप्थ सेंसर अलग से दिया हुआ है, लेकिन उसका हमको बहुत ज़्यादा एडवांटेज कुछ दिखा नहीं है। एज सिलेक्शन हमको उतना अच्छा नहीं दिखा, बहुत जगह एज में हमको बहुत ज़्यादा लगा कि वो एज सिलेक्शन जो है और बेटर हो सकता था, डेप्थ सेंसर वैसा कुछ काम करता नहीं है। लेकिन हाँ, कलर वगैरह जो है, फेस का कलर है ना ही बहुत फ़ोन के जैसा बहुत ज़्यादा बूस्टेड कलर था, एकदम नेचुरल कलर था, ये हमको बहुत अच्छा लगा। डायनेमिक रेंज थोड़ा सा कमज़ोर था पोर्ट्रेट शॉट्स में खासकर, लेकिन कलर्स में हमको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं लगा, ना ही विदुषी को यहाँ पे लगा था, जो भी फ़ोटोज़ उसको पसंद आया था काफ़ी अच्छा लगा था। तो ओवरऑल बोलेंगे कि पोर्ट्रेट शॉट्स अगर फ़ोन में ही देखने के लिए अगर आपको लेना है तो यहाँ पर आपको अच्छा आउटपुट मिल जाएगा, कलर वगैरह सारा कुछ बहुत अच्छा मिल जाता है, लेकिन एज में आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा। ब्लर कंट्रोल वगैरह वो फ़ोन में ही दिया हुआ है कि आप कंट्रोल कितना रखना है वो भी आप कर सकते हैं। स्लो मोशन में हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो देखते हैं स्लो मोशन 1080p पे। 1, 2, 3 गो। तो इस फोन में हम लोग 4K तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी जो वीडियो हो रहा है वो 1080p 30fps पे रिकॉर्ड हो रहा है। आई डोंट नो स्टेबलाइजेशन कैसा है, आप कमेंट करके बताओ। हम हैंडहेल्ड ही मूव कर रहे हैं इसमें और ये अगेंस्ट द लाइट है, तो आप अगेंस्ट द लाइट भी देख सकते हो। इसमें हम लोग अल्ट्रा वाइड पे वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये 1080p 60fps का वीडियो है और ये हैंडहेल्ड ही शूट हो रहा है, तो आई डोंट नो स्टेबलाइजेशन कैसा है, आप वो भी देख के बताओ। और ये अगेंस्ट द लाइट, तो फेस आते ही थोड़ा सा ब्राइट हो जा रहा है वीडियो, लेकिन ओवरऑल
13,000 के फ़ोन में भाई क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी जो आप वीडियो देख रहे हो वो 4K 30 FPS में रिकॉर्ड हो रहा है, और इस फ़ोन में 4K रिकॉर्ड हो सकता है, स्टेबलाइजेशन का नहीं पता। वो स्टेबलाइजेशन तो मेरे ख्याल से काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। और अभी भी आप देख सकते हो इसका 4K, तो सेल्फी लिया जाए। सेल्फी मैंने ले ली आज। पोर्ट्रेट मोड भी है तो पोर्ट्रेट मोड में भी लेंगे। फिल्टर दिया है बहुत सारा। फिल्टर लगाने की क्या जरूरत है, ये मेरी नेचुरल ब्यूटी है। चलिए वाह। 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जो है हमको बहुत पसंद आया। नॉर्मली जो बहुत ज़्यादा ब्राइट फोटोज़ दे देता है नॉर्मल फोटोज़ लगा के, वैसा नहीं था नॉर्मल मोड में। लेकिन हाँ, जब पोर्ट्रेट मोड ऑन कर रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा ब्राइट बहुत जगह कर दिया है, तो वो जनरली आजकल के सारे फ़ोन्स में होता है। और इस फ़ोन में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो था नहीं ऐसे भी, लेकिन हाँ हमको बहुत पसंद आया फ़ोटोज़ 13,000 के हिसाब से बोलेंगे तो। तो ये फ्रंट कैमरा का वीडियो है और ये अगेंस्ट द लाइट। अच्छे लोग हमेशा अच्छे ही लगते हैं। आगे बोलो। बाकी जिसको अच्छा नहीं लग रहा है वो अपना। वाह। तो ये 1080p 30fps का वीडियो था फ्रंट कैमरा से। इसमें हम लोग को कोई 4K या 60fps का सपोर्ट नहीं मिलता है, 1080p भी है काफ़ी है। वैसे इसमें टाइम लैप्स दिया हुआ है जो 4K में भाई हम लोग इसमें टाइम लैप्स शूट कर सकते हैं, ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल है। वैसे इसमें सेल्फी पैनोरमा दिया हुआ है जैसे कि अभी देख रहे हैं। तो ये मस्त सा फोटो आ गया। तो पैनोरमा का भी फीचर है इसमें जो कि प्राइमरी कैमरा में सपोर्टेड है, और ये रहा आपका पैनोरमा। तो इसका हम लोग थोड़ा जूम टेस्ट करते हैं। ये जूम लेवल जो है ये 4x तक ही जूम जा सकता है, उससे ज़्यादा का जूम लेवल है नहीं इसमें। वैसे प्रो मोड भी है जिसमें आप रॉ कैप्चर कर सकते हैं। ISO लेवल जो है 3200 तक का है, लेकिन शटर स्पीड जो है 1/30 सेकेंड ही पता नहीं क्यों दिखा रहा है, और 16 सेकेंड तक का शटर स्पीड ले सकते हैं। तो अंधेरा हो चुका है। वैसे ये फ़ोन लो लाइट के लिए तो नहीं बना हुआ है, वो तो आपको भी पता होगा, लेकिन फिर भी टेस्ट करके देखते हैं। नाइट मोड टेस्ट करके देखेंगे कि कैसा आता है। अल्ट्रा वाइड पे कोई सपोर्ट नहीं है तो वो थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं। लो लाइट फोटोज़ का अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को नाइट मोड तो मिल जाता है प्राइमरी कैमरा में। अल्ट्रा वाइड में कोई सपोर्ट नहीं है, तो अल्ट्रा वाइड अपना ही यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर है। नाइट मोड में भी हमको थोड़ा सा नॉइजी फोटोज़ लगा, और बहुत ज़्यादा सेंसर कैपेबल तो नहीं है, लेकिन एक्सट्रीम लो लाइट में भी दिख जाता है आपको, तो ये एक अच्छा बात है। और अल्ट्रा वाइड में स्विच करने के बाद जो हमको लगा कि एकदम डार्क फोटोज़ है, तो आप ना ही यूज़ करो अल्ट्रा वाइड लो लाइट में, तो वही ज़्यादा बेहतर है भाई। जो एक चीज़ हमको इस फ़ोन का बहुत ही अच्छा लगा कि भाई इसमें एक भी फालतू ऐप नहीं है, तो स्टॉक एंड्रॉयड होने का यहाँ पे आपको फ़ायदा मिल जाएगा। तो इसमें फ्रंट में भी नाइट मोड कैमरा मिल जाता है, तो ये तो बड़ा अच्छा चीज़ है भाई। लो लाइट में पोर्ट्रेट लेके देखते हैं। फ्रंट कैमरा हमको काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे फ़ोन्स स्ट्रगल करते हैं, तो डेफिनेटली बोलेंगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, काफ़ी अच्छा काम किया है यहाँ पे। तो ये फ्रंट कैमरा का वीडियो है जिसमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ तो दिख रहा है हमको, लेकिन बहुत ब्राइट वीडियो भी दिख रहा है जो कि जनरली यहाँ पे हम लोग किसी फ़ोन में नहीं दिखता है। आदि देख रहे हो कितना ज़्यादा ब्राइट है, मतलब एक 13,000 के फ़ोन के हिसाब से अगर जैसा डिस्प्ले में हमको दिख रहा है वैसा सच में है, तो नॉइज़ी होने के बाद भी हम बोलेंगे कि डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। कि मतलब इतना लो लाइट सिचुएशन में भी इतना अच्छा काम करना, बहुत सारे हम लोग फ़ोन देख चुके हैं यहाँ पे, तो डेफिनेटली एक एडवांटेज दे देता है ये। हम तो फिलहाल यही बोलेंगे कि जिस प्राइस रेंज में ये फ़ोन आता है तो उस प्राइस रेंज के हिसाब से गर्दा उड़ा देता है ये फ़ोन, और बहुत ही अच्छा है। और कुछ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन का ज़रूरत है, और बेटर हो सकता है अगर सारा कुछ हो तो, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छा है। ऐसे कंपेयर करना भी है, कंपेयर करना किसके किसके साथ है वो आप कमेंट करके बताओ, कंपेयर करेंगे हम लोग तब देखेंगे कि भाई किस में क्या इम्प्रूव हो सकता है और क्या क्या बेटर और किया जा सकता है फ़ोन में। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गर्दा उड़ाते रहिए।